देखिए हम लोगों ने जो परीक्षा ली है, हमारा प्रयास ये होगा कि 31 जुलाई प्लस माइनस 4 दिन हम रिजल्ट निकाल दें। इसके बाद दूसरी परीक्षा हम सितंबर में करना चाह रहे हैं और इस तरह से हम फरवरी तक सारी परीक्षाएं और सारा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी पूरा कर देना चाहते हैं। जो लोग बच जाएंगे, दूरस्थ शिक्षा की यह खूबी है कि आपको एक बार परीक्षा देने का मौका नहीं, कई बार परीक्षा देने का मौका मिलता है। मार्च के महीने में, क्योंकि डेडलाइन दिया गया है 31 मार्च 2019, मार्च में सभी को जो छूट गए रहेंगे उनको दोबारे सारी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो 31 मार्च 2019 तक सारा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्ट हम चाहे बाद में निकालें, क्योंकि संसद ने ऐसा पास किया है कि 31 मार्च 2019 तक ये पूरा होना चाहिए, नहीं तो वैध नहीं होगा।